हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी देवशयनी एकादशी टू ऑल फ्रॉम मी एंड माधव। तो आज हम माधव के लिए और आप सब के लिए बनाते हैं वाटरमेलन स्लूशी, क्योंकि आपको पता ही है कि अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री तक इंडिया में हो रहा है। तो आप ये बताइए कि इतनी गर्मी में हमें एकादशी के दिन भी ऐसा ही मन करेगा कि हम कुछ ना कुछ तो ठंडा चिल्ड रिफ्रेशिंग पिए। तो आज मैं आपके लिए बना रही हूँ वाटरमेलन स्लूशी, क्योंकि ये मुझे और मेरे माधव को दोनों को बहुत पसंद है और आई होप आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो आप एंजॉय करिए और देखिए हाउ टू मेक वाटरमेलन स्लूशी। आप सबने ही सोचा होगा कि स्लूशी ये कभी एकादशी ड्रिंक में, कभी डिवोशन में बन सकता है क्या? पर या वाटरमेलन स्लूशी एक बहुत ही रिफ्रेशिंग वाटरमेलन की रेसिपी है, जो कि एनर्जी भी देती है हमें और हमें रिफ्रेश भी कर देती है। तो आइए बनाते हैं वाटरमेलन स्लूशी। आपको चाहिए लेमन, सेंधा नमक एकादशी के लिए, और नॉर्मल दिनों के लिए आप कोई भी नमक ले सकते हैं, तुलसी भोग लगाने के लिए, मिंट और वाटरमेलन। आप स्टेज पे चाहें तो आप आइस भी डाल सकते हैं, और नहीं तो ब्लेंड भी कर सकते हैं आइस को। आइस मेरे गले को, मेरे थ्रोट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए मैं आइस नहीं लेती हूँ। आप इसको डेकोरेट करेंगे विद वाटरमेलन, विद मिंट लीव्स और तुलसी फॉर भोग। तुलसी लगाना ना भूलें, तुलसी का पत्ता। तो आप इंजॉय कीजिए वाटरमेलन स्लूशी को माधव के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू।